हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं चैप्टर 5 और 6 का पेपर बताऊँगी। इससे पहले मैंने EVS का चैप्टर 1 और 2, फिर दूसरे पार्ट में चैप्टर 2, 3 और 4 ऐसे मैंने पेपर बना के दिए हैं, क्योंकि अभी EVS की एग्ज़ाम आ रही है और उसमें 6 लेसन आने वाले हैं, 1, 2, 6। तो फर्स्ट है चैप्टर 5 का, जय एंड हितेश आर ब्लैंक। तो ये चैप्टर है माय फैमिली, इस तरह से है। और एक लिंक जो माय फैमिली की है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना, उसमें से आपको कई नई स्पेलिंग जानने मिलेंगे। तो इसमें आएगा सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है कि सगे भाई बहन। तो जय और हितेश दोनों क्या है, सिबलिंग है, सगे भाई है। फिर है रूपल इज दीपास। तो रूपल है जो दीपा की मॉम है, तो यहाँ पे मदर आएगा। भाविन इज रमेश भाईज ब्लैंक। तो जो भाविन है वो रमेश भाई का लड़का है। अमिता इज दीपास डॉटर, तो यहाँ पे डॉटर आएगा। किंजल इज जयस आंट, तो किंजल है वो जय की आंट है। तो ये सब आपको जो फैमिली ट्री है उसमें देखने मिलेगा। जैसे कि ये फैमिली ट्री है उसमें बताया गया है, तो ये रूपल है, ये रमेश भाई है, ये इनके बच्चे हैं और ये इनके बच्चे हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो पूरा तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। फिर है क्वेश्चन आंसर। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो बताना है, जैसे कि मम्मी पापा है, भाई बहन है, दादा दादी है, तो टोटल कितने होते हैं। 6 है तो 6 लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है, और सबके नाम बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू रिलेटेड टू ईच ऑफ योर्स फैमिली मेंबर। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताना है जो आपका रिलेशन क्या है जो भी पर्सन है। जैसे कि आपके मॉम का नाम है हीराबेन, तो आपको सामने लिखना है कि मदर। फिर आपके फादर का नाम है जैसे कि प्रमोद भाई, तो सामने बताना है फादर। आपकी डॉटर है तो हीर, तो आपको बताना है कि डॉटर। इस तरह से यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे रिलेशन लिखना है। आपके ग्रैंडफादर का नाम है तो यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे वो ग्रैंडफादर है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर थर्ड नंबर है, डू यू हैव पेट्स इन योर फैमिली, हाउ डू यू ट्रीट देम। अगर जो आपके घर में पैट है तो आपको पैट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आएगा यस आई, नहीं है तो नहीं लिखना है, तो नहीं है तो लिखना है नो आई डोंट हैव एनी काइंड्स ऑफ पैट्स इन माय फैमिली। फिर है इज योर फैमिली इन्वॉल्व्ड इन एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क, व्हाट इज दैट, डू यू हेल्प योर एल्डर्स विथ दैट वर्क। आप आपके घर में किस तरह से हेल्प करते हो अपने पेरेंट्स, इसमें बताना है कि आपकी फैमिली है वो कोई भी काम कर रही है, जैसे कि सब इकट्ठे होके काम करते हो इस तरह से, जैसे कि कभी कभार पूजा करना बैठते हैं तो सब लोग साथ में होते हो ना, इसी तरह से अगर आपके घर में ऐसा कोई काम होता है तो आप लोग हेल्प करते हो कि नहीं, वो सब इसमें बताना है। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी फिल इन द ब्लैंक है, इस ये आपको करने हैं। माई फादर्स वाइफ इज माई ब्लैंक, आई कॉल हर ब्लैंक। तो जो मेरे पापा की मम्मी है, माफ़ करना, मेरे पापा की जो वाइफ है तो उसे हम क्या कहते हैं, मदर। पापा की वाइफ को मम्मी ही कहेंगे ना, और उसे हम क्या कह के बुलाते हैं, मम्मी, मम्मा, मॉम या माँ, आप जो भी कहते हो ये वो यहाँ लिखना है। फिर सेकेंड है, माई मदर्स मदर इज माई ब्लैंक, I call her blank। तो जो मम्मी की मम्मी है तो वो नानी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको नानी लिखना है और यहाँ पे ग्रैंड मदर लिखना है। फिर है my father's daughter is my sister, माफ़ करना aunt। तो यहाँ पे आएगा my father's, यानी मेरे पापा की लड़की है तो वो क्या होगी, sister होगी। और आप उसे क्या कहते हो, बहन कहते हो या उसको नाम से चिढ़ाते हो, जो भी है वो यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे है माई फादर सिस्टर इज माई आंट, आपके पापा की जो बहन है तो उसे आप बुआ कहोगे ना,
तो यहाँ पे आंट आएगा और आप उसे बुआ कह के बुलाते हो या फिया, कुछ जो भी कहते हो वो यहाँ लिखना है। माई फादर्स फादर इज माई अंकल, आई कॉल हिम दादा, अंकल, चाचू, काका, जो भी बोलते हो वो यहाँ लिखना है। फिर है मेंशन एनी वन स्पेसिफिक थिंग्स यू लर्न फ्रॉम देम। अब ये जो दिया हुआ है जैसे कि माई फादर, योर फादर, तो आपको यहाँ पे लिखना है आई हैव लर्न डेडिकेशन टू वर्क योर वर्क फ्रॉम माई फादर। इस तरह से आपको उसमें कोई भी स्पेसिफाइड सेंटेंस मेंशन करना है कि वो आपको क्या सिखाते हैं किस तरह से। इसमें दिया हुआ है योर फादर, जो अपने पापा से सीखा है वो। फिर है योर मदर, तो अपनी मम्मी तो हर वक्त घर का काम करते हैं तो उनसे हम क्या सीखते हैं, तो क्लीनिंग, क्लीनिंग अवर हाउस या क्लीनिंग सब भी कोई भी चीज़ है वो, तो हम यहाँ लिखेंगे आई हैव लर्न क्लीनिंग फॉर माई मदर्स। फिर है सिस्टर, तो सिस्टर है वो हमें क्या सिखाती है, समय पे उठना, समय पे बैठना, होमवर्क करना, जो भी है यानी पंक्चुअलिटी सिखाती है, तो वो आएगा। फिर है ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर में क्या है कि ग्रैंड मदर होती है वो ज़्यादातर पूजा पाठ करते हैं, तो वो हमें हाउ टू प्रे एंड हैव फेथ, जैसे कि कैसे हम उस पर श्रद्धा रख सकते हैं वो सब सिखाते हैं। और योर ब्रदर, तो अगर आपका भाई है तो आपका भाई आपको क्या सिखाता है, जैसे कि साइकिल चलाना सिखाता है या फिर कोई पेंटिंग काम करना सिखाता है, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे लिखना है माई ब्रदर और माई आई हैव लर्न टू राइड बाइसिकल, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर 6 के MCQ है। इसके अलावा भी है यहाँ पे चैप्टर 6 के मैचिट, तो हम पहले मैचिट लेंगे। यहाँ पे मैचिट दिए हुए हैं, तो मिल्क, पाइनएप्पल, सुगर कैन, ये सारे हमने लिखे, उसके सामने से हमें देख के मैच करना है। तो मिल्क किस में यूज़ होता है, तो खीर बनाने के लिए, ओके। फिर क्या है, पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल हम जाम के अंदर मिलता है, जाम होता है ना, तो जाम की बोतल में फ्रूट्स का आता है तो उसमें पाइनएप्पल भी आता है। फिर नेक्स्ट है सुगर कैन, तो सुगर कैन तो जूस में बना के लेते हैं, जूस से मिलता है। फिर है बनाना, वेट, इस तरह से सब दिया है, तो बनाना में बनाना शेक आएगा। फिर गेहूँ है, तो गेहूँ से हम क्या बनाते हैं, क्या आता है उसमें, तो वेट है, उसमें आएगा चपाती, रोटी बनाते हैं ना वो। फिर दाल है, सूजी, ईग, राइस, ये सारे इसमें से आपको ढूंढ के लिखने हैं। एग है, तो उसमें आएगा ऑमलेट। राइस है, तो उसमें आएगा, यहाँ पे राइस में भी आप खीर भी लिख सकते हो और दूसरा इडली भी लिख सकते हो, इस तरह से आएगा। पर यहाँ पे मिल्क दिया है, तो मिल्क में हमने खीर लिखा है, तो राइस में आपको इडली लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गिव रीज़न, पीपल इन नॉर्थ इंडिया मोस्टली ईट आइटम्स मेड ऑफ व्हीट। ये सारे क्वेश्चंस हमें याद करके लिखने हैं, जैसे कि जो इसका आंसर आएगा व्हीट प्रोड्यूस इन नॉर्थ इंडिया इन एब्यूटेंस, हैंस पीपल इन नॉर्थ इंडिया मोस्टली ईट आइटम्स मेड ऑफ व्हीट, जो ज़्यादातर क्या है गेहूं में से बनाते हैं खाने के लिए कई चीज़ें। पीपल इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु मोस्टली ईट आइटम्स मेड ऑफ राइस, और तमिलनाडु है वहाँ पे ज़्यादातर राइस में से बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं इडली, या इस तरह से भी लिख सकते हैं पीपल इन वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु मोस्टली ईट आइटम्स मेड ऑफ राइस बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस इन दिस स्टेट, इस स्टेट में ज़्यादातर राइस होता है इसीलिए, और इतना तो हमें इसमें से लिखना है, और यहाँ बिकॉज करके फिर हमें लिखना है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ राइस इन दिस स्टेट। फिर है क्वेश्चन आंसर्स, राइट टू एग्जांपल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, तो एक तो है व्हीट और पोटैटो, इस तरह से हम लिख सकते हैं गेहूँ और पोटैटो। फिर है वो इज़ नॉन वेजिटेरियन, व्हाट डू दे जनरली ईट, तो इसमें आएगा पीपल हु ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कोल्ड नॉन वेजिटेरियन,
दे जनरली एट नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स, वो लोग ज़्यादातर वही खाते हैं। फिर थर्ड है वो इज़ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन किसे कहते हैं, तो जो पीपल है तो वो लोग वेजिटेबल्स, जैसे कि पीपल हु ईट वेजिटेबल्स सैरेलेक फ्रूट्स प्लस पल्सेस एंड मिल्क खाते हैं, तो वो सब होता है वेजिटेरियन। फिर है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड, डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड वो तो उसमें आपको बताना है, प्लांट एंड एनिमल्स आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 6 का MCQ, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड बी ऑलवेज ईट, तो हमें सबसे ज़्यादा किस तरह से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो फ्रेश फूड आएगा ना, तो हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है विथ व्हाट इज़ पुलाव मेड, पुलाव किस में से बनता है, तो वो होता है राइस में से, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा राइस। फिर व्हाट फूड कैन अ न्यू बॉर्न इन्फेंट हैव, तो मदर्स मिल्क, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे हम पहले माँ का दूध देते हैं। विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम व्हीट, तो इडली राइस में से बनता है, पुलाव भी राइस में से, खाखरा या डोसा, इस डोसा भी खीरे में से बनता है, ठीक है, तो खाखरा आंसर आएगा, तो इसमें आएगा खाखरा। व्हाट ऑयल विच ऑयल इज यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम इन केरला, तो केरला में कौन सा ऑयल यूज होता है, तो कोकोनट ऑयल। विच टाइप ऑफ फूड कैन ओल्ड पीपल डाइजेस्ट इजीली, तो उसमें आएगा डाइजेस्ट इजीली है, इसका आंसर आएगा बॉइल्ड। 7 नंबर है एट विच टाइम ऑफ द डे शुड वन ईट अ फुल मील, तो मॉर्निंग। इस तरह से ये हमारे 7 MCQ फिनिश हो गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है फूड गिव्स ब्लैंक टू आवर बॉडी, तो अपने बॉडी को खाना खाने के हिस्से क्या मिलते हैं, तो एनर्जी। सेकंड है वेपोल्स ग्रैंड मदर लाइक्स दाल विथ ब्लैंक इन इट, तो सुगर। नेक्स्ट है मुन्नी विल ड्रिंक मदर्स मिल्क अप टू 6 मंथ बिकॉज शी हैज़ नो ब्लैंक, तो यहाँ पे टीथ आएगा, जो मुन्नी है वो लड़की उसकी मम्मी का 6 महीने तक दूध पिएगी क्योंकि उसके पास उसके दांत नहीं है। नेक्स्ट है ब्लैंक पीपल कैन नॉट ईट हार्ड फूड, तो ओल्ड। नेक्स्ट 5 नंबर विपुल्स ग्रैंड मदर एट रोटी विच वॉज सॉक्ड इन दाल, फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में हमने 6 निकाले हैं। वी शुड ईट द सेम टाइप ऑफ फूड एवरी डे, तो फॉल्स आएगा, ठीक है, हर रोज़ तो हम एक सा फूड नहीं लेते ना, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है बॉयल्ड फूड इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, तो ये सही है, बॉयल्ड फूड खाने से अच्छा रहता है, डाइजेस्ट फास्ट होता है, तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है स्मॉल चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्राइड फूड, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि ये गलत बताया गया है। 4 नंबर है मिल्क इज़ कंसिडरेड एज अ कम्प्लीट डाइट, तो ये बात सही है, तो ट्रू आएगा। वी शुड ऑलवेज ईट अ फुल मील एट नाइट, तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमेशा रात को फुल मील लेना ज़रूरी नहीं है, इस तरह से है, तो फॉल्स। नेक्स्ट है विपुल्स ग्रैंड मदर एट रोटी विच वॉज सॉक इन दाल, तो सही है, तो ये ट्रू आएगा। तो फ्रेंड्स हमने आज जो 5 लेसन 5 और लेसन 6 का हमने जो पेपर बनाया है वो आपके साथ शेयर किया है, और अच्छे से एग्ज़ाम देना और आपके वो कितना हेल्पफुल हुआ ये पेपर ये भी मुझे बताना, और कमेंट में आपको लेसन 1, 2, 3 और लेसन 4 इन चारों की भी लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपके दूसरे फ्रेंड हो उनके साथ भी ये शेयर करना जिससे उनको भी हेल्पफुल हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।